सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक में यह बयान दिया और यह बयान अब उनके लिए परेशानी का सबब बन गया। गुजरात की एक अदालत में वो पेश हुए और उन्हें 2 साल की सजा इस मामले में हो गई, साथ ही साथ 15,000 का जुर्माना भी उन पर लगाया गया। हालांकि बीजेपी नेता पुणेश मोदी ने उनके खिलाफ याचिका दायर की थी और जज HH वर्मा ने इस पर सुनवाई की और राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई। अब ऐसे में लोगों में यह दिलचस्पी है जानने की कि जिस जज ने राहुल गांधी को सजा सुनाई है वो है कौन, इसके पीछे की कहानी क्या है, आइए आपको बताते हैं। बीते दिन राहुल गांधी को सूरत के जेल एवं सत्र न्यायालय ने पेश किया गया। राहुल को CGM HH वर्मा की कोर्ट में पेश किया गया। HM वर्मा का पूरा नाम हरीश हसमुख भाई वर्मा है। उनकी उम्र 43 साल है। IPC की धारा 500 के तहत जज HH वर्मा ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई। इस हाई प्रोफाइल केस की सुनवाई करने वाले कौन है जज HH वर्मा? HH वर्मा का जन्म गुजरात के वडोदरा में हुआ था। HH वर्मा ने अपनी LLB की पढ़ाई वडोदरा के ही महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है। पढ़ाई करने के बाद HH वर्मा जुडिशियल ऑफिसर बन गए थे। HH वर्मा के पिता एडवोकेट हैं। पिता की वजह से उनकी रुझान जुडिशियल सेवा की ओर बढ़ने लगी। गुजरात में HH वर्मा की छवि एक सख्त जज के रूप में है। अपनी कोर्ट को HH वर्मा रूल बुक के हिसाब से ही चलाते हैं। वो समय में एकदम पाबंद है। गुजरात हाई कोर्ट के निर्देश के बाद HH वर्मा ने राहुल गांधी मानहानि केस की सुनवाई जल्द कर अपना फैसला सुना दिया। आपको बता दें, राहुल गांधी पर मानहानि का ये 5वां केस है। इससे पहले राहुल गांधी पर मानहानि के 4 केस हो चुके हैं। बाकी के सभी 4 केस अभी अलग अलग राज्यों की अदालतों में पेंडिंग है। मानहानि का आखिरी केस राहुल गांधी पर साल 2019 में हुआ था। इसी केस का फैसला जज HH वर्मा ने सुनाया। इस पर हाई प्रोफाइल केस के बाद HH वर्मा भी सुर्खियों में है। आपको बता दें, कोर्ट ने राहुल को 2 साल की सजा सुनाई है, पर उनकी सजा को 30 दिनों तक निलंबित रखते हुए उन्हें ऊपरी अदालत में जाने का मौका दिया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।